मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। इस ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्चुअली हम लोग ना इससे पहले जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे तो रेस्ट एंड मोशन मतलब मोशन था। उसके नेक्स्ट में पढ़े हम लोग फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन मतलब न्यूटन्स ने क्या रिलेटेड उससे लॉ दिए थे उसके बारे में, और अब इस ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े। ग्रेविटेशन है क्या? एक्चुअली हर एक बॉडी जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है उसकी एक प्रॉपर्टी है और वो है उसका मास। ठीक है, अब इस मास की वजह से उसकी एक और प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और उसे हम लोग बोलते हैं इनर्सिया। इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी ऑलवेज अपोजिट द एनी काइंड ऑफ चेंजेस एंड दैट चेंजेस इज इन देयर स्टेट। आई मीन रेस्ट से मोशन में आएगा, यूनिफॉर्म मोशन से होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा, या फिर मोशन से रेस्ट में आएगा। किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अदर डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन कभी कभी यह देखते हो आप कि जब कोई बॉडी को फ्रीली अपने हाथ से फ्री करते हैं तो वह ग्राउंड के तरफ अर्थ के तरफ ही गिरता है। जब उधर फोर्स लगाए ही नहीं तो उधर गिर क्यों रहा है? तो इसका मतलब कुछ ऐसा फोर्स है जो इनविजिबल है। जो विजिबल होता तो हम तो उसको देख सकते हैं, उसके सोर्सेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वह अदृश्य है। तो अदृश्य है तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोगों ने जो स्टडी किया उसमें यही कहा गया है कि अ टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द मैथमेटिकली से लिखा जाएगा। उस वक्त कहते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एम वन एंड एम टू एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बाय विच इट इज सेपरेटेड। यह दोनों ही ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, जितनी दूरी पर होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और जो उसके मासेस है उस मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहां पर यह जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, जैसे यह देख लो, ये मास एम वन और ये मास एम टू और दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है डी डिस्टेंस से, तो यह दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रहा है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और उसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं ऐसे एफ इज इक्वल्स टू, या एक लाइन और लिखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हें पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वहां पर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहां पर आता है वो है एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। ठीक है, एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। अब यहां एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए जो तुम्हारे चैप्टर्स के एकदम बिगनिंग ऑफ योर चैप्टर, बिगनिंग फर्स्ट लाइन ऑफ योर चैप्टर है, जिसमें कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाई द टर्म यूनिवर्सल इज यूज्ड हियर? द मेन फैक्ट इज दैट कि ईच एंड एवरीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन आवर सराउंडिंग हैविंग इट्स ऑन मास। हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है उस सब के सब
कुछ ना कुछ मासेस के साथ होते हैं, मतलब उसका मास जरूर होता है, चाहे किसी पेपर का टुकड़ा ही क्यों ना हो उसके पास भी मास है, एक थ्रेड ही क्यों ना हो उसके पास भी मास है, ब्रिक उसके पास भी मास है, आयरन का क्यूब उसके पास भी मास है, फ्लावर्स उसके पास भी मास है, जितने भी चीज एग्जिस्ट कर रहे हैं सबों के पास मास है। कोई भी ऐसा चीज इस दुनिया में नहीं है जिसका मास नहीं हो, मास जीरो हो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब यह फोर्स ही जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो उस मास के कारण ही एग्जिस्ट करता है, वो उस मास के कारण ही एग्जिस्ट करता है, तो जब मास पूरी दुनिया में हर एक चीज के लिए एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब दुनिया के हर चीजों के लिए यह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है अप्लीकेबल होगा। बिल्कुल सही, वैसा दिखने से ही हमें लग रहा है कि यह उन हर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल होगा। अब यहां यह जी जो है, इस जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। जी इज स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब तुमसे कहा जाए कि इस जी का यूनिट फाइंड आउट कीजिए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछ सकते हैं कि इस जी का यूनिट क्या है, फाइंड द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। याद रखना कैपिटल जी, इस जी का यूनिट क्या होगा। हमारे पास दिया हुआ रिलेशन है, सॉल्यूशन में लिख सकते हो, तुम लोगों में से बहुत को आ भी रहा होगा, और एक्चुअली क्लासेस में हमने यूनिट फाइंड आउट करने का तरीका भी बता रखा है। तो यहां पर मैथमेटिकल रिलेशन में हमारे पास जो अभी है लिख सकते हैं, एज वी हैव द रिलेशन, क्या है वो, F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। ओके, यह D यहां से इधर आ जाएगा तो क्या होगा, यहां डिनोमिनेटर में है तो यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू। ठीक है, अब इसको इधर ना लिख करके इधर लिख दे तो क्या दिक्कत है, एफ डी स्क्वायर। अब यहां से कैपिटल जी इक्वल्स टू सिर्फ लिखे हैं तो एफ डी स्क्वायर बाई एम वन एम टू। ठीक है, अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, नॉर्मली इसे मीटर में मेजर करते हैं, मीटर, और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और यहां M1 तो M1 का यूनिट क्या होगा, kg, दूसरे M1 का यूनिट kg, तो kg और kg को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां इसको मिटाइए और लिख दीजिए kg स्क्वायर, तो क्या हो गया इसका g का यूनिट, देयरफॉर द यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की बात हो तो वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां जैसे एक मास वन केजी ले लीजिए, फिर जो अर्थ का मास है वह ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेंगे, और इसका ऐसे इसका वैल्यू जो है वो होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके हम लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज स्टेट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अराइजेज बिटवीन द मासेस, बिटवीन द बॉडीज,
ड्यू टू देयर मासिंग। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, यहां पर ये जो मासेस के बीच में जो एक्ट हुआ तो फोर्स है, और फोर्स को हम लोग जो अभी लिखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम वन और एम टू बाय डी स्क्वायर। इस एम वन और एम टू में एक मास जो है, मतलब दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट जो है वह अगर अर्थ हो जाए, ठीक है, एक अर्थ हो गया और दूसरा जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पर इस अर्थ के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा उसे हम लोग ग्रेविटी बोलेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो उस जैसे दो ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करते हैं, जैसे यह एक डस्टर, इस डस्टर और दूसरा जो अर्थ है, तो अर्थ और इस डस्टर के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो उसे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। और जब यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा, वर्क करेगा, उसके कारण उसके मोशन में कुछ चेंजिंग आएगी, और मोशन में जो चेंजिंग आती है, जो उसके वेलोसिटीज में जो चेंजिंग आती है, उस वेलोसिटीज में चेंजिंग को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में जब स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यह एक्सेलरेशन, जब यह फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। ठीक है, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। अब यहां इस स्मॉल जी का अगर यूनिट फाइंड आउट करना हो तुम्हें तो कैसे फाइंड आउट करो? यह इसका यूनिट कोई अलग नहीं आएगा, जो एक्सेलरेशन है पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा इस जी का, उसी एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो इस जी का भी यूनिट होगा। वहां हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते थे, तो यहां भी इस जी का जो यूनिट होगा, यहां पर लिखते हैं यूनिट्स ऑफ स्मॉल जी, यह है क्या, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसे बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो उस वैल्यू का एक्चुअली इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम लोग ना उसे फाइंड आउट करना भी सीखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए कहीं कहीं पर किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं, और यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ उस न्यूमेरिकल्स का इजी सॉल्यूशन करने के लिए करते हैं। ओके, अब देखिए, जब यह फोर्स की बात हुई, जब किसी ऑब्जेक्ट पर
इस ग्रेविटेशन मतलब अर्थ के द्वारा जब कोई फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स लगेगा तो फिर उसके मोशन में मतलब यह जो जी है जो हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ अनुसार एफ इजकल्स टू एम ए, ठीक है, एफ इजकल्स टू एम ए, और अगर यह एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो यहां पर इस एफ को हम लोग एफ इजकल्स टू एम जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ इजकल्स टू एम जी। यहां अगर इफ द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ, अगर अर्थ के द्वारा यह ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो जिसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं अगर वह हो तो उस समय हम लोग एफ इजकल्स टू एम जी भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक टर्म इसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, फ्री फॉल। क्या है फ्री फॉल? तो इसको बोलते हैं जैसे यह ऊपर से अगर इस डस्टर को मैं चौक को मैं अगर छोड़ू तो यह ऐसे यह जो गिर रहा है इस बीच में, इफ देयर इज नो एनी अदर मैन मेड, इफ देयर इज नो एनी अदर मैन मेड और एनी आर्टिफिशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज फॉलिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो और उस टाइम पे उस पर कोई भी मैन मेड फोर्सेस या कोई भी आर्टिफिशियल फोर्सेस अप्लाइड नहीं कर रहा हो तो उस फॉलिंग को हम लोग फ्री फॉल बोल सकते हैं, या दूसरे मतलब में ये समझ सकते हैं, इफ अ बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ इन द प्रेजेंस ऑफ वन एंड ओनली वन ग्रेविटेशनल फोर्स देन दैट इज द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। अब यह फ्री फॉल अगर हो रहा होगा जैसे ऊपर तुम्हारे हाथ से यह रिलीज होता है और अर्थ की तरफ गिरने लगता है तो यह फ्री फॉल होगा अगर कोई भी उस बीच में कोई भी मैनमेड या आर्टिफिशियल फोर्स अप्लीकेबल नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ही वर्क कर रहा तो उसे फ्री फॉल बोलेंगे। तो इस मोशन का इस फ्री फॉल के मोशन के लिए हम लोग कुछ इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग जो पढ़े हुए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े हैं B इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़े हैं, फिर S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस पढ़े हैं, यह इक्वेशंस पढ़े हैं। लेकिन जब वो ये सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लीकेबल होता था उस वक्त का यह टर्म था, बट कोई भी ना वर्टिकल मोशन होने लगता है और उस बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के द्वारा अप्लाइड मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ही अप्लीकेबल हो, उस केस में इसी इक्वेशन का कुछ रिफॉर्मेशन होता है, कुछ इसमें चेंजिंग करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं, वो कुछ ऐसा है। देखिए वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी है, ठीक है, यहां इसे प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यह जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं उस वक्त माइनस जी निगेटिव जी होगा, क्यों, क्योंकि अर्थ के द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वह डाउनवर्ड है नीचे की तरफ है और ऊपर जब फेंक रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ है, तो हम लोग यहां पर प्लस माइनस जी टी। और दूसरा जो है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता था उसे एस से डिनोट करते थे, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर होगा उसे एच से डिनोट करेंगे, और एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
फिर यहाँ प्लस माइनस लिखने का रीजन वही है कि जी का दोनों वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव. एंड द लास्ट वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच. ठीक है, यहां पर यह v क्या है, तो यहां पर v है फाइनल वेलोसिटी. हम अभी लिख देते हैं, यह जो टर्म है ये वर्टिकल मोशन में फ्री फॉलिंग मोशन में अप्लीकेबल नहीं होता. फ्री फॉलिंग मोशन में ये इक्वेशन ही यूज होगा, ये वाला इक्वेशन यूज होगा. ठीक है, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी यू इनिशियल वेलोसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, P is time and H is equals to vertical height या height covered by the object. ठीक है, अब next class में हम लोग small g का value find out करना, कैपिटल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना या उससे जुड़ी हुई जितनी संभावनाएं हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. होमवर्क में लिख लो आप. Read the chapter gravitation. Okay? Thank you.